हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ हमेशा की तरह सारे भाई बढ़िया होंगे। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ इस टाइप की मोशन ब्लर एस्थेटिक फोटो एडिटिंग लेकर आ चुका हूँ। आप लोग कुछ सैंपल्स देख सकते हो, और सच बताओ ना, जितनी ग्रोथ अपनी एस्थेटिक वालों की हो रही है उतनी अच्छे से अच्छे एडिटर्स की भी नहीं हो रही है। आप लोगों को कुछ प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग इनकी प्रोफाइल देख सकते हो, अच्छे खासे फॉलोअर्स भी नहीं है, लेकिन जैसे ही इन्होंने पोस्ट अपलोड किया है आप लोग लाइक्स देख सकते हो, 22,000, 24,000, 4,000, 2,000 गाइस, बहुत ही ज़्यादा तबाही लगती है इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग। एंड इसको आप लोग कैसे एडिट करोगे वो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और मैंने बहुत सारे कंटेंट अपने चैनल पे एस्थेटिक से रिलेटेड अपलोड कर रखे हैं, मेरी बहुत सारी फ़ोटो भी वायरल होती रहती है, तो आप लोग प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। सो फाइनली इन सब टाइप की एडिटिंग कैसे की जाती है वो आप लोगों को मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। और सेम टू सेम एडिट करना चाहते हो तो ट्यूटोरियल को पूरा वॉच कर लेना, ओके? सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट ट्यूटोरियल। तो देखो, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर अभी आप लोगों ने अपनी एक बेसिक फोटो को लेकर आ जाना है जिसको भी एडिट करना चाहते हो। और अभी हम लोग अपने पिक के अंदर कलर ग्रेडिएंट करने वाले हैं, जो कि लाइटरूम एप्लीकेशन की हेल्प से करेंगे। तो यहां से आप लोगों को बैक आ जाना है, और आ जाना है यहां से लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। मैं आप लोगों को एक प्रीसेट अप्लाई करवाऊंगा, जो कि लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कुछ इस टाइप का है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। और ये आप लोगों को कैसे वर्क करना है सबसे पहले मैं ये यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो चौथे नंबर पे आओगे तो मेरा तो ये है, मैंने ये प्रीसेट है, और इसको मैं थोड़ा माइनस करके एडजस्ट करूँगा। लेकिन आप लोग इसको कैसे यूज़ करोगे बता देता हूँ। लाइक अभी आप लोगों ने अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर प्रीसेट को ओपन कर लिया, थ्री डॉट पे जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को ना एक कॉपी सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। क्रॉप को छोड़ के जितने भी टूल मिलेंगे ना आप लोगों को, सबको फिल करके राइट के ऊपर टैप कर देना, जो आप मेरा प्रीसेट होगा। उसके बाद आप लोग अपनी एक बेसिक फ़ोटो लेकर आना, एग्जांपल के लिए ये हमारी बेसिक फ़ोटो है। उसके बाद अगेन हम लोग थ्री डॉट पर चलेंगे, और इस बार आप लोगों को पेज सेटिंग कर देना है। तो समथिंग कुछ इस तरीके से आप लोग का जो प्रीसेट है वो अप्लाई हो जाएगा, जैसे कि ये मेरा प्रीसेट है वो आ चुका है। अब हम लोग इसको सेव कर लेंगे। अब हमारा जितना भी एडिटिंग वर्क होगा वो होगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो अगेन हम लोग यहाँ से बैक आएंगे और चलेंगे अपने पिक्सआर्ट ऐप में। मैं इस फोटो को बैक करूँगा, एंड इसकी जो कलर ग्रेडिंग है वो आप लोगों को थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो चलेंगे टूल वाले सेक्शन के अंदर, एडजस्ट टूल के अंदर आएंगे, और यहाँ पे मैं सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट को माइनस करूँगा, और यहाँ से क्लियरिटी इंक्रीज, सेचुरेशन को फुली इंक्रीज कर लूँगा, आई मीन 94 बेस्ट है। और यहाँ से थोड़ा सा शेडो को माइनस, उसके बाद हाईलाइट को भी माइनस करूँगा, एंड फिर करेंगे राइट पर टैप। अब आप लोगों को हर्ट एक ऐड करना है जो कि क्रोन से बेस्ड है, तो ये आप लोगों को स्टिकर वाले सेक्शन के अंदर भी मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो इसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बेसिकली PNG आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो समथिंग हम लोग इस तरीके से ऐड करेंगे, एंड उसके बाद आप लोगों को इफेक्ट वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है, और यहाँ पे आप लोगों को ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट देखते हैं। तो गाइज, ये वाला ब्लैक एंड वाइट या फिर ये वाला ब्लैक एंड वाइट मेरे को ठीक ठीक लग रहा है, ये वाला। अब यहाँ पे आप लोगों को RGB मिलेगा, तो ये आप लोग GB अप्लाई कर सकते हो, RGB अप्लाई कर सकते हो, जो भी बेस्ट लगे। तो मेरे को R बेस्ट लग रहा है, ठीक है। और फेड लेवल आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना, तो मेरे को ये ठीक ठीक लग रहा है 16%। उसके बाद हम लोग यहाँ से मर्ज कर लेंगे। अब आप लोगों को FX वगैरह अप्लाई करना है, तो यहाँ से आएंगे FX के ऊपर। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा राइट जाएंगे तो ग्लिच का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा, तो ग्लिच को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लिच है मेरे को समथिंग यहाँ पे -3 करना है, और इसको हम लोग कर लेंगे 0, जो वर्टिकल है 0 कर सकते हो, या फिर 1-2% अप डाउन हो जाए, कोई भी इशू नहीं है। अब आप लोगों को ब्लर वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है। ब्लर में आओगे, मोशन ब्लर मिल जाएगा, और हमारा जो फोटो के अंदर जितना ब्लर है वो अप्लाई हो चुका है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोगों को मॉडल के ऊपर अप्लाई करना है। तो करेंगे यहाँ से इन्वर्ट, ठीक है। FX पे आएंगे, और हार्डनेस को करना है माइनस, साइज को करना है माइनस, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना। एंड जस्ट कुछ इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा मोशन वगैरह अप्लाई कर सकते हो। हम लोग इस स्लैक के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब लग रही है। और थोड़ा आप लोग अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर भी देख लेना, सुपर्ब। एंड उसके बाद राइट के ऊपर टैप करके इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है, तो मैं एंगल वगैरह देख लेता हूँ। एंगल मेरे को 40% रखना है, 41 हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। और फेड वगैरह आप लोग देख सकते हो, तो फेड लाइक हम लोग यहाँ से 8 या फिर 9% दे देंगे, ये भी सुपर्ब है। उसके बाद हम लोग यहाँ से मर्ज कर लेंगे। अब आप लोगों को अगेन FX के अंदर आ जाना है, और इस बार थोड़ा सा अगेन राइट जाओगे तो आप लोगों को ग्रैंड 2 नाम का इफेक्ट मिलेगा। ये चीज़ को अप्लाई करना है, ग्रैंड 2 और ग्रैंड, जो भी आप लोगों को बेस्ट लगे। तो मेरे को 2 बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, तो मैं यहाँ पे ये भी अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर ग्रैंड भी अप्लाई कर सकता हूँ। अब इसका फेड लेवल आप लोगों को दोनों में सिमिलर रखना है, जो भी अप्लाई करना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसका फेड लेवल को इंक्रीज़ करूँगा, इसको रखेंगे हम लोग यहाँ से 76 के अराउंड, जो कि सुपर्ब है, ठीक है, बढ़िया लग रही है, ओपी गाइस। एंड यहाँ से राइट के ऊपर टैप कर देंगे।
अब आप लोगों को अपने फोटो के अंदर शेडो वगैरह अप्लाई करनी है तो ये चीज़ आप लोगों को बिना स्टिकर से या फिर बिना PNG की हेल्प से करना है, तो वो बहुत इजी ट्रिक है। आप लोग आ जाना मास्क वाले सेक्शन के अंदर और यहाँ पे आप लोग चले जाओगे अपने शेडो के अंदर, तो बहुत सारे शेडो मिल जाएंगे। लेकिन रिसेंटली में जो मैंने यूज़ किया वो आप लोग करना चाहते हो तो कर लेना, नहीं तो देखो बहुत सारे शेडो वगैरह है। मैं कुछ कुछ अप्लाई करूँगा, यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ कुछ अप्लाई करूँगा तो देख सकते हो बहुत अच्छा अच्छा इफेक्ट आ रहा है एंड बहुत ही क्रिएटिव लग रही है। तो मैंने यही वाला अप्लाई किया था रिसेंट में भी, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो SDHWI ये चीज़। एंड आप लोग इसका ह्यू वगैरह, तो मेरे को थोड़ा सा रखना था गाइस ग्रीन, ठीक है ना, तो मैं समथिंग इतना रखूँगा। उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ से मर्ज या फिर ओपेसिटी भी आप लोग कम कर सकते हो, तो ये मेरे को ठीक लग रहा है। और मैं एडजस्टमेंट के अंदर जाके भी करने वाला हूँ, तो चलेंगे यहाँ से एडजस्टमेंट के अंदर। सबसे पहले मैं यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को इनक्रीज़ करूँगा थोड़ा सा, ठीक है, क्लियरिटी को इनक्रीज़ करूँगा। अब यहाँ पे सैचुरेशन वाला पार्ट है तो ये मेरे को कम ही रखना है थोड़ा सा, जो कि परफेक्ट लगे पिक। और शेडो को माइनस करेंगे हम लोग, ओके। और आप लोग ना ब्लू टोन, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ब्लू टोन, नहीं तो वार्म टोन, तो मैं हल्का सा ब्लू टोन अप्लाई करूँगा। फाइनली डन गाइस, हमारी जो फोटो है ना वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की लग रही है। एंड कुछ इस तरीके से आप लोग एडिट करो, बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा बिफोर एंड आफ्टर। अभी आप लोग देख सकते हो समथिंग इस तरीके से जो हमारी फोटो है ना वो एडिट हो चुकी है ना, बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा अगर आप लोग ऐसे 3D फोटोज़ को अपलोड करते हो। एंड ट्यूटोरियल कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। एंड इन सब टाइप की एडिटिंग से रिलेटेड बहुत सारी फोटोज़ वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।